तेरा पकड़ा गया वन ईद मुबारक यार सबको। आपको आवाज़ें आ रही होंगी पीछे से, खुतबा स्टार्ट हो गया ईद का। और अब मैं इस वक्त सुबह के 5:15 हो रहे हैं, अब मैं चेंज करूँगा और फिर ईद की नमाज़ के लिए जाएंगे और आपसे मिलता हूँ ईद की नमाज़ के बाद। तो अभी सीन ये है कि अभी नमाज़ पढ़ी हमने और अब आज किधर गया ये आजबा होगा और एक पता नहीं उधर कहीं घूम रहा है जो दूसरा बैठा था, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ साथ में। और यार जिसको खून से मसला है ना तो वो आज का ब्लॉग ना देखे, क्योंकि आज के ब्लॉग में सारा खून ख़राब है। आज का ब्लॉग जिसको खून से मसला है वो आज का ब्लॉग प्लीज़ ना देखें, यहीं पर बंद कर दें ब्लॉग। तो अब आपको मैं वो वाला बैठा दिखाता हूँ जो उधर है और चलते हैं इसके बाद घर। जी ये अब हलाल होने लगा है तो कुर्बानी का टाइम वीडियो नहीं बनानी थी इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो अभी आपको बता दिया हलाल होने लगा ये बस। हाँ जी तो अब आप मैंने सोचा था कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा लेकिन मैंने बना ली और कट्टा ज़िबा हो गया और अब ये हम घर आए। अभी कसाई आया है तो ये बैड़ा ज़िबा होगा और ये दो बकरे ज़िबा होंगे, एक ये और एक ये। तो ये बकरे ज़िबा होंगे और आपको दिखाते हैं साथ साथ। गिर गया, इतनी सी बात थी। तो क्या हो गया, फूक ऐसे तो आपने देखा कि आज की हमारी कुर्बानी होगी एक गाय और दो बकरे। अब मैं आपसे मिलता हूँ कल की कुर्बानी में। फिर Day 2 हाँ जी तो जैसा कि आपने देखा कि हमारी कुर्बानी होगी और मैं अभी चेंज करके आया हूँ और आज ईद का सेकंड डे है, मैं भी चेंज करके आया हूँ। तो यार बस आज इस व्लॉग में कुर्बानी वगैरह ही थी और कुछ ऐसा स्पेशल नहीं था, क्योंकि ईद बस कुर्बानी होती है उसके बाद सोना उठना ऐसे बोरिंग ही। तो ये था आज का व्लॉग, मिलता हूँ आपसे कल के व्लॉग में। कल का व्लॉग एक्साइटिंग होगा उसके लिए वेट करेगा, कल का व्लॉग एक्साइटेड होगा वो आप ज़रूर देखिएगा। मिलता हूँ आपसे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया पाकिस्तान। बचा के